टेस्ट संचालन के लिए एक बार हम सब मिलके मैं चाहूंगी मंच और हमारे सभी स्तुति श्रोतागण एक बार जोरदार तालियां बजाएं बनारसी जी के लिए, दमदार बनारसी जी के लिए। बहुत शुक्रिया। और वो संचालन करते करते आधी कविता तो हमारे हिस्से की भी पड़ गए। पढ़िए, वैसे हम बलिया वालों के साथ हिस्सा लेने में कभी नहीं पिछड़ते। स्वागत अच्छा, है बलिया वालों के लिए। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी कि यहाँ पर आई वीरभूमि बलिया पर जब मैंने अपना पहला कदम रखा तो मेरे मन में एक डर था कि यहाँ के तो रज रज में बागी बलिया वीरभूमि बलिया की जो एक इमेज है, जो एक यहाँ की चर्चाएं हैं, कहानियां हैं, और हम तो श्रृंगार प्रेम मनोहार पढ़ने वाले लोग, पता नहीं आप लोग हमें कैसे स्वीकारेंगे, कैसे सुनेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आपने अभी छोटे भाई कल्याण को सुना, क्या बात, सर्वप्रथम तो मंच कंफ्यूज हो गया कि हम बलिया में कविता पढ़ रहे हैं या बैंकॉक में। तो एक बार जिस प्रकार से आपने उसको सुना है उसी उत्साह की, उसी उल्लास की, उसी रंग की तालियां उठाइए। मैं शुरू करती हूं। अरे तालियां क्या, कुछ भी उठा सकते हैं आप। तो बस पढ़िए, स्वागत है। कौन पूरी कर सका है, कौन पूरी कर सका है बावरों की ख्वाहिशें, कौन कौन पूरी कर सका है बावरों की ख्वाहिशें, इश्क भी करना है और बर्बाद भी होना नहीं। इश्क भी करना है और बर्बाद भी होना नहीं। सीधे सीधे अपने परिचय की चार पंक्तियों से आप सबको जोड़ती हूँ, मंच का ध्यान चाहूंगी। स्वागत। सुनिएगा जिस प्रकार से संचालन कर रहे हैं, जिस प्रकार से, अरे इस समय मंच माइक कुर्सी कुलापे की तरफ ध्यान दिया हुआ। स्वागत है। भले ही चुप है कहे न कुछ पर समझ चुके हैं नियत तुम्हारी, हमारे जलवे संभाल पाओ, अजय नहीं है सियत तुम्हारी। आ तो जवाब समझ भी के अपना बता रहे हैं, तुम्हारी मर्जी भले न मानो, हसीन चेहरों से दूर रहना इसी में है खैरियत तुम्हारी। हमारे जलवे संभाल पाओ। पल्लवी जी ये निहायती गलत बात है, ये बलिया है और यहाँ आप हैसियत की बात कर रही हैं। आप देखिए, मैं अब मन कुलबुलाता है जवाब देने के लिए, हम क्या करें। तो चार मिस्र, अब राजेश राही, चार मिस्रे क्या खूब कहे हैं। मुझे लग रहा है इन्हीं के लिए कहे थे कि कभी ये बलिया आएंगी और दमदार बनारसी से टकराएंगी। तो ऐसा है कि मुखालिफ कहते हैं दुश्मन को, मुखालिफ भी जबा पर देखना ताला लगा लेंगे, मुखालिफ भी जबा पर देखना ताला लगा लेंगे, हमारे सब्र का जिस दिन वो अंदाजा लगा लेंगे, और वफा का फलसफा इनको सुनाकर क्या करेंगे हम, ये कल जुड़े में कोई फूल फिर ताजा लगा लेंगे। हम तो अलग है, ठीक है गुरु। सिर्फ चार मिसरे पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं सीधे सीधे अपने काव्य पाठ की ओर चलती हूँ। इन्होंने बेवफाई की बात की, वहां से बात उठाती हूँ। बहुत मुश्किल है ये कहना मेरा दिलदार झूठा था। ये एक्सेप्टेंस जल्दी से सबके अंदर नहीं होती। एकदम बहर में है, दिलदार कहिए चाहे दमदार कहिए, एकदम बहर में। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। बहुत मुश्किल है ये कहना मेरा दिलदार झूठा था, मोहब्बत थी हमें जिससे वही किरदार झूठा था, बिछड़ते वक्त भी सोचा कि वो एक बार ठिठकेगा, बिछड़ते वक्त भी सोचा कि वो एक बार ठिठकेगा, तेरे कदमों ने बतलाया कि तेरा प्यार झूठा था। बहुत प्रणाम करती हूँ और मैं सीधे सीधे अपने काव्य पाठ की ओर चलती हूँ। और इस प्रार्थना के साथ, इस बात के साथ कि जब हम किसी को फ्रूट सैलेड देते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल देते हैं, लेकिन उस चाट मसाले का काम है आप तक कविताएं पहुंचाना, आप तक रचनाएं पहुंचाना, आप तक साहित्य पहुंचाना। एक बार मुझे तालियों से आदेशित करें, मैं आप लोगों के लिए पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। रब की मर्जी बिना डोर हिलती नहीं, वाह वाह,
मैं दिल्ली से इतना दूर से चल के अगर आज आप तब तक आई हूँ, डोर हिलाने के लिए, जिस डोर ने बांधा हुआ है वो प्रेम की और साहित्य की डोर है, दिल्ली से चल के आई है, डोर हिलाने, सुनिएगा कि रब की मर्जी बिना डोर हिलती नहीं, ये कली प्रेम की रोज खिलती नहीं, आप पर क्यों न मोती न्योछावर करूं, बलिया वालों जुड़िएगा, कि आप पर क्यों न मोती न्योछावर करूं, ऐसी महफिल हमें रोज मिलती, वाह 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 वाह, ऐसी महफिल बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, रोज मिलती नहीं, आप दोगे सदा मैं चली आऊंगी, आप दोगे सदा मैं चली आऊंगी, आप जब तक सुनेगी तो मैं गाऊंगी, आई हूँ मैं भले हाथ खाली मगर, आई हूँ मैं भले हाथ खाली मगर, आपके प्रेम को साथ ले जाऊंगी, वाह 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 वाह, बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं। ऐसा क्या है इन गीतों में जो हम लोगों को इतनी लंबी यात्राओं के बाद भी आप सब तक जोड़ के लाता है? चार पंक्तियां पढ़ती हुई इस मंच की ओर से कि हम लोग क्या लिखते पढ़ते हैं, अल्हड़ चंचल मन लिखते हैं, अल्हड़ चंचल मन लिखते हैं, आंसू पीर सघन लिखते हैं, एक पंक्ति में अगर कहूं तो, बलिया वालों सुनिएगा, कि एक पंक्ति में अगर कहूं तो कविता में जीवन लिखते हैं, एक पंक्ति में अगर कहूं तो कविता में जीवन लिखते हैं। एक ऐसे गीत की तरफ लेके चलती हूँ, स्वागत, जो मेरे पहचान का गीत है, वो पिछली गली में, हाँ बिल्कुल, हम पिछली गली में ही लेके चलते हैं। नहीं, गीत का नाम है, आप लोग गलत ना समझे, ये गीत का उन्वान है पिछली गली में। प्रेम क्या है साहब, सीधे सीधे पढ़ने का बताती हूँ, और उस प्रेम की तरफ पहले जुड़िए जो आपका पहला प्यार है। एक दौर होता है जब हमको प्रेम और आकर्षण के बीच का अंतर भी पता नहीं होता, वो गीत जो मेरे मंचीय पहचान का गीत है, एक बार आप लोग तालियों से जुड़िएगा, मैं शुरू करती हूँ। पहले प्यार की यादें न उतरे वो कुमारी है, वाह, तालियां उठानी है तो एक साथ उठाइए, अरे वो आपके पहले, आपकी खुमारी में जब ये उठ गए तो तालियां काहे नहीं उठाए। स्वागत है। पहले प्यार की यादें न उतरे वो खुमारी है, ये लोहे जो हवाओं ने करीने से सवारी है, कभी जो राह चलते ही लड़कपन में थमाई थी, कभी जो राह चलते ही लड़कपन में थमाई थी, वो पीतल की अंगूठी आज के हीरों पे भारी, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, पीतल की अंगूठी आज ले, ये अंगूठी देने के लिए आ गया, बताइए डिस्टर्ब, ये अंगूठी देने के लिए आ गया, बाप रे बाप, आप ऐसा गीत ना पढ़िए कि बलिया आ जाए बागी हो जाए, बाप रे बाप। अच्छा, जो लोग भी अभी उठ के जा रहे हैं तो मैं ये गीत इसलिए बिल्कुल नहीं पढ़ रही हूं। वो जा रहे होंगे अंगूठी बनवाने, आप घबराइए, आप पढ़िए, स्वागत है। एक बार पुनः आप लोग मंच से जुड़े, और मुझे अच्छा लगेगा अगर इस गीत को आप लोग तालियों के लय से जोड़ के सुनेंगे, और मैं दावे से कह रही हूँ, इकलौती कवियत्री हूँ देश की जो इस विषय पर आप सबके सामने मंच से गीत पढ़ती है, क्या बात, मेरी हिम्मत को दाद दीजिए, तालियां उठाइए, मैं गीत शुरू, वाह वाह, स्वागत है, स्वागत है। कि बरसों से दूर था, बरसों से दूर था, दूर था, दूर था, बरसों से दूर था वो जमाना दिखा हमें, बरसों से दूर था वो जमाना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें, पुराना दिखा हमें, कोई संग थे
थी कोई संग थी कोई संग थी तो नजरें चुराना दिखा हमें, है, है, है। कोई संग थी तो नजरें चुराना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें, पुराना दिखा हमें, पुराना दिखा हमें। कितना पुराना था, 3 बार पुराना बोली, हड़प्पा की खुदाई से निकला था क्या? ये बिना बात बोल रहे हैं क्योंकि इनको जलन हो रही है। सीधे सीधे भाई ताली बजाकर मन दीजिए, नहीं तो टूट जाएंगी। स्वागत है। नहीं नहीं, ये बलिया वाले हैं, इन्होंने हमेशा जोड़ने का काम किया है, बिल्कुल टूटने नहीं देंगे। पहले उस फ्लैशबैक में लेके चलती हूँ। मैंने कहा कि उनके तो साथ भी कोई थी, उसने मारी कोहनी ले गई साथ में, बोली कहाँ रुक गए। तो वो तो जनाब चले गए, लेकिन एक फ्लैशबैक सामने आ गया। उस फ्लैशबैक से उन पुरानी यादों से जुड़िएगा, आनंद लीजिएगा। पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें, पुराना दिखा हमें, एहसास अनछुए थे आंखों में शर्म थी, एहसास अनछुए थे आंखों में शर्म थी, चाहत की लौ नई थी लहजे से नरम थी, आंचल में तितलियां थी, तितलियां थी, तितलियां थी, आंचल में तितलियां थी, कजरे की धार थी, यूं बाल झटकने पे उसके जान निसार थी, अपनी जान निसार थी, साइकिल की उतरी चैन ने, उतरी चैन ने, उतरी चैन, साइकिल की उतरी चैन चढ़ाना दिखा हमें, साइकिल की उतरी चैन चढ़ाना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें, पुराना दिखा हमें, पुराना दिखा हमें। क्या कहने, वाह 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 वाह। ये जो दौर होता है ये बहुत विशेष होता है, और विशेष होता है कुछ यादों के कारण। वो यादें जो हमारी सखी सहेलियों दोस्तों दुश्मनों से बनती हैं, और दोस्त भी ऐसे जिनके रहते हमें दुश्मनों की आवश्यकता नहीं। क्या बात है, बिल्कुल वैसी ही दोस्ती जैसे दमदार जी और यहाँ पे प्रशांत जी में है। तो सुनिएगा, उन दोस्तों को याद करिए और उन गलियों में चलिए। सुनिएगा कि यारों के गैंग थे कहीं सखियों की टोलियां, यारों के गैंग थे कहीं सखियों की टोलियां, छुप छुप के सज रही थी ख्वाबों की डोलियां, हर रोज दिए प्रेम के होली के रंग थे, हर रोज दिए प्रेम के होली के रंग थे, सपने बड़े बड़े थे भले हाथ तंग थे, भले हाथ तंग थे, कैंटीन में मिल बैठ के खाना दिखा हमें, कैंटीन में मिल बैठ के खाना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें, पुराना दिखा हमें, पुराना दिखा हमें। इस गीत का अंतिम बंद पढ़ती हूं। स्वागत। मैंने कहा कि मैं इकलौती कवियत्री हूं जो इतने हिम्मत से गीत पढ़ती है। अच्छा, पुरानी बातें तो फिर भी हो गई, अब मैं मेरा वर्तमान पढ़ रही हूँ। इस बात पे आप सब एक बार तालियां बजाइए, मैं शुरू होती हूँ। कि मासूम सभी हरकतें, आजकल के हालात क्या है, वर्तमान क्या है सुनिएगा। कि मासूम सभी हरकतें किस्सों में रह गई, मासूम सभी हरकतें किस्सों में रह गई, अल्हड़ सी रंग रेलियां कपड़ों में तह गई, अरसे से बंद है मेरे दिल की तिजोरियां, अरसे से बंद है मेरे दिल की तिजोरियां, लाली नहीं है होठ पे सजती है लोरियां, सजती है लोरियां, सजती है लोरियां, लेकिन लेकिन फिर सजने सवरने का बहाना दिखा हमें, फिर सजने सवरने का बहाना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें, पुराना दिखा हमें, पुराना दिखा हमें। आनंद आया? अरे बहुत आनंद आया। एक बार बताइए। परमानंद आया। प्रेम क्या है, मैंने कहा कि ये तो सब आनंद के उल्लास की बातें हैं।
दो मुक्तक वो पढ़ना चाहती हूँ जो मेरे मान के पहचान के और हमारी इस भूमि पर प्रेम क्या है उसके मुक्तक है। अगर आप लोगों का आदेश हो तो वो मुक्तक पढ़ना चाहती हूँ। हाँ, जरूर पल्लवी जी, एक मुक्तक और पढ़िए, स्वागत है। सुनेगा, प्रेम क्या है साहब, जहाँ पर शिकायतें खत्म समर्पण शुरू, समझिए हम प्रेम में हैं। हमारे प्रेम के जो इष्ट है उनके चरणों में दो मुक्तक रखती हूँ, सुनिएगा। कि साल साल भर प्यासे चातक हमने गाते देखे हैं, दिल में गम आँखों में आंसू लब मुस्काते देखे हैं, प्रेम की भाषा प्रेमी समझे जग वाले तो मूर्ख हैं, राधे राधे सुनकर हमने कान्हाते देखे हैं, राधे राधे सुनकर हमने कान्हाते देखे हैं। एक मुक्तक और पढ़ के मैं अपनी जगह लेती हूँ, स्वागत, क्योंकि जाते जाते ये जो हमारी भूमि है वो राम की कृष्ण की भूमि है। राम जी के बारे में यहाँ भी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन एक मुक्तक मुझे वरदान स्वरूप मिला, मेरी पहचान का मुक्तक बना, सुनिएगा। प्रेम करना आसान है साहब, मुश्किल है उसको बताना और जताना। जाते जाते बलिया को ये बता के जा रही हूँ कि यदि आपको किसी से प्रेम होता है तो आप उस तक अपनी बात कैसे पहुंचा सकते हैं, सुनिएगा। एक बार आप लोग तालियों से इस मुक्तक से जुड़िएगा, मैं विदा लूंगी। कि घरे नेह के सौदे में जो हुई कमाई लिख देना, खरे नेह के सौदे में जो हुई कमाई लिख देना, याद हमारी आए जब भी आखर ढाई लिख देना, याद हमारी आए जब भी आखर ढाई लिख देना, शब्दों में ना बंध पाए जो मन में उमड़ी हलचल, तो जहां सिया से मिले राम जी वो चौपाई लिख देना, वो चौपाई